आज का ब्लॉग स्पेशल डीजे वाले भाई लोग के लिए, जिनके पास सार्पी लाइट नहीं है और जो सार्पी लाइट लेने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए वीडियो स्पेशल होने वाली। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे सार्पी का जो लेंथ है काफी दूर तक नहीं जाता है, जबकि उसके सार्पी का लेंथ काफी दूर तक दिखाई देता है। तो गाइस, मैं इस वीडियो में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो आप भी अपने सार्पी लाइट का लेंथ काफी दूर तक भेज सकते हैं। और जो पीछे मेरे देखते हो डिजाइन बन रहा है, बहुत सार्पी लेंथ क्लियर नहीं बनता है, तो मैं वो भी बताऊंगा कि आप लोग एकदम क्लियर कैसे डिजाइन वगैरह बना सकते हैं। तो गाइस, उसके लिए मैं डीमैक्स 512 यूज करूँ और ये वेसन का सार्पी है, मैं इसी पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन हर डीमैक्स और हर सार्पी में अलग अलग फंक्शन होता है, तो आप लोग अपने सेटिंग की इच्छा अनुसार ही सेट कर सकते हैं। ये नहीं कि मेरे डीमैक्स में एक ही होगा और सेम वही आपके डीमैक्स में भी होगा, नहीं गाइस, ऐसा अलग अलग होता है। तो आप लोग देख के अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डीजे से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने सार्पी लाइट को ऑन कर लेते हैं, जो 001 पे सेट है। तो 1 और 2 से मेरा सार्पी लाइट रोटेट होता है और 7 और 8 वाले वीसी से मेरा सार्पी लाइट का जो ऑन हो जाता है। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं और सामने की तरफ करके आपको इसकी सेटिंग बताते हैं, जिससे आपकी लेंथ काफ़ी दूर तक जाएगी। तो ये रहा आपका सार्पी का बीम लाइट, जो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ। और आपको यहाँ पर पेज सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, स्विच है जो, ये देख लीजिए पेज का सिलेक्ट, आप इस पर क्लिक कर लेना तो ये इंडिकेटर नीचे शो होने लगेगा। उसके बाद इंडिकेटर नीचे शो होते ही जो 5 नंबर वाला बी सी है, आप उसको ऊपर जैसे करेंगे, ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और इसी की वजह से आपका जो बीम है वो 500 मीटर तक ज़्यादा दूर तक दिखाई देगा। और इसी की वजह से आप अपने डिजाइंस को भी क्लियर कर सकते हो, जो एकदम साफ दिखाई देगा और काफ़ी दूर तक इसकी लेंथ होगी। तो गाइस, चलिए इसमें कलर भी ऐड करके आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले कलर ऐड कर लेते हैं। तो गाइस, सिंपल से हमने एक कलर सेलेक्ट कर लिया जो कि ऑरेंज कलर में है। उसके बाद इसको हम कोई इसमें डिजाइन ले लेंगे। तो ये रहा डिजाइन, इसका देख सकते हैं, ये रहा डिजाइन नॉर्मल है, ये उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई देता, ये हर सबके साथ प्रॉब्लम होता है। तो सेम वही करेंगे, पेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो जो 5 नंबर वाला बी सी है उसी को इसी करेंगे। तो चलिए इसको एडजस्ट कर ले रहे हैं, बीच में कर ले रहे हैं, और चलिए 5 नंबर वाले बी सी को फिर से ऊपर की तरफ करते हैं। तो देखिए ये कितना ज़्यादा क्लियर दिखने लगा है गाइस। तो ऐसे करके आप भी अपने सार्पी लाइट का बी में वो अधिक दूर तक भेज सकते हैं और अपने डिजाइंस को भी क्लियर कर सकते हैं गाइस। अगर 5 नंबर वाले बीसी को नीचे करें तो ये फिर से अपने नॉर्मल मोड में आ जाता है। और चलिए गाइस, इसमें कलर चेंज करके और उसके बाद कुछ डिजाइन चेंज करते हैं। गाइस, ये वाला स्टार वाला डिजाइन है, ये हर सार्पी में से प्रॉब्लम होता है। तो चलिए गाइस, 5 नंबर वाले बीसी को फिर से ऊपर करके आपको इसकी क्लैरिटी दिखाते हैं और आप भी अपनी सार्पी में से क्लियरिटी कर सकते हैं। गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, कि आप लोग बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हो देख के। तो चलिए गाइस, इसको राउंड शेप में कर लेते हैं। उसके बाद 5 नंबर वाले बीसी को फिर से हम नीचे करते हैं तो देख सकते हैं इसकी क्लैरिटी एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर से इसको ऊपर कर देंगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगी गाइस। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज जरूर मिला होगा। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और डीजे से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए स्पेशल वीडियो ला दूंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम।